हैं आप सब लोग? तो आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ, तो अभी तो फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ। मौसम वैसे साफ है आज, फिर भी देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि मेरा निकलने का प्लान है पूरा। शिवा से मेरी बात हुई है, शिवा कह रहा था कि मैं भी चलूँगा साथ में। अब देखते हैं वो आता है या नहीं आता। अगर वो नहीं भी आता है तो मुझे तो निकलना पड़ेगा भाई, अब कुछ भी करें निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बसेस का कोई पता नहीं है। मैं तो खुश रहता हूँ कि बस पे जाऊँ यार, बस मेरा टेंशन फ्री होकर इंसान जाता है। अगर नहीं रहेगी बस तो फिर तो गाड़ी लेकर ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो बाकी देखते, मौसम साफ रहे टिका रहे, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, चलो। चुका हूँ बस, गाड़ी मैंने यहाँ पे लगाई है, क्योंकि गाड़ी हमारे घर तक नहीं जाती है, तो आगे थोड़ा सा और जाती थी, लेकिन आगे ना बहुत कीचड़ हो रखी है। तो बस मैं अभी थोड़ा नहाऊंगा धोऊंगा, नहाने के बाद ना मैं सीधा निकलूंगा यार। मैंने डिसाइड किया शायद सोलो ही ट्रिप रहने वाला है मेरा, शिवा का कोई पता नहीं है। और मैं थोड़ा यार सोच रहा हूँ कि अकेले निकलता हूँ और थोड़ा रुकते रुकते जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सीधा मुझे जल्दी से पहुँचना है, रुकूँगा आराम से निकलूँगा। तो गाइज़ मैं पहुँच चुका हूँ घर पर। हाँ, ये हमारा बगीचा है, देखो सेब देखो इतने अच्छे हो रखे यार, देख रहे छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे रखे हैं सेब यार। ये सबसे अच्छी बात है ना, हमारे पास ज़्यादा पेड़ तो नहीं है, सेब के ज़्यादा पेड़ नहीं है, बस थोड़े से बचे हुए। पहले होते थे काफ़ी पहले, कुछ 15-20 साल पहले बहुत सेब होते थे यहाँ पे, अब सेब नहीं होते। तो ये सेब जितने भी रखते हैं ना, हमने 5-6 पेड़ अपने पास हैं, उनको ना हम कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं डालते, हम पूरे ऑर्गेनिक रहते। अनार देखो, अनार इस बार ख़राब हो गए हम लोगों के यार। ये हमारा कुछ अनार का बगीचा यहाँ से शुरू होता है, और घर हमारा बीचों बीच है छोटा सा। ये देखो अनार भी इस बार मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर नीचे हुआ तो क्लाइमेट की वजह से ना सारे अनार ख़राब हो गए यार। ये देखो, लेकिन मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है यार ये घर जो हमारा ना, अभी बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है कि अकेले में घर और बगीचे के बीचों बीच। देखो, लेकिन एक बात है, हमारे घर पे ना कोई नहीं मिलता यार, कभी कभी बहुत कम होते हैं घर पे हम, क्योंकि पापा कुल्लू में कैफ़े में रहते हैं, विक्की जिम में रहता, भी आएगा दोपहर में 1-2 घंटे के लिए, या तो वो कुल्लू पर चला जाता है काम करने। हम लोग सुबह से, मतलब हमारा जो रूटीन है ना, इवन पापा को, हमारा जो दिन शुरू होता है ना, हम लोग काम शुरू करते हैं सुबह 4:30-5 बजे हम उठते हैं, तब से हमारा काम शुरू होता है। और पापा तो चलो 7-8 बजे तक बाहर ही रहते हैं, फिर 8 बजे आते हैं घर पर। हमारा जो काम ख़त्म होता है पूरा, हमारा काम ख़त्म होता है रात के 11 बजे। मुझे ना यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, चाबी पता नहीं कहाँ रखी हुई है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, तो कुछ खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद नहाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, और मैं अगर खाता नहीं ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये हमारा कुछ छोटा सा किचन है ना, घर पे ना कुछ अब कोई घर पे खाता ही नहीं है खाना, सब बाहर खाते हैं, शाम को कभी कभी बनता है, और विकी के लिए भी खाना कैफे से ही आता रात में, क्योंकि अब कहाँ पापा आएंगे घर पे बनाएंगे, वैसे तो वो ही बनाते थे। तो अब तो कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे, मुझे समझ भी नहीं आ रही क्या बनाया जाए, लेकिन यार कुछ भी बोलो, पापा ना साफ़ सफाई बहुत रखते हैं। देखो इधर, तो यार गाइस घर पे तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहा लेता हूँ, थोड़ा सा देखूंगा अगर कुछ भी केले वगैरह है फ्रूट्स है पड़े हुए, फ्रूट्स खा लूँगा, और उसके बाद सीधा निकलूँगा, और रास्ते में देखूँगा कहीं पे रास्ते में लंच वगैरह कर लूँगा कहीं पे रुक के। तो ठीक है, तब तक मैं जाता हूँ नहाने, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह कुछ म्यूसली वगैरह है पड़ी हुई, म्यूसली है जो वगैरह पड़ी हुई थी, ये खा लूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा। ठीक है, तो चलो चलते घर के अंदर, उस तरफ भी ताला लगा लूँगा। तो ब्रेकफास्ट हो गया यार, बस मैं नहा कर निकला, भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, और लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठा था और मुझे नींद आ गई थी 1/2 घंटे के लिए। तो मैं बस अब फटाक से निकलने वाला हूँ, क्योंकि शिवा वगैरह के लिए किसी के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि उसका पता नहीं अभी आएगा नहीं आएगा।
तो मैं इसके बाद बस निकल रहा हूँ। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट तक है, यहाँ तक। इससे आगे आपको न्यू सीरीज़ मिलेगी बिजौरा टू दिल्ली, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे। तो ठीक है गाइस, मैं निकल रहा हूँ बस यार, निकल चुका हूँ घर से। मैं यार कपड़े यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ अभी एक्चुअली। तो मिलते हैं आप लोगों से दिल्ली में। गाड़ी इतनी गर्म हो रखी है। ये ब्लॉग यहीं तक रहने वाला है, इससे आगे आने वाले अलग से एपिसोड्स, ठीक है। तो बने रहो, प्यार करो खूब, ठीक है, समझे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।